नमस्कार 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 नमस्कार। ये नमस्कार जो है रेणुका जी और मैं बड़े होशियारी से टाइम करते थे, क्योंकि उनका भी नमस्कार होता था, मेरा भी नमस्कार होता था। उसके लिए अंडर आवर ब्रेथ वी वुड से 1 2 3 नमस्कार। गजब की टाइमिंग और लाजवाब केमिस्ट्री, रेणुका शाहने और सिद्धार्थ का कबू अंदाज आज तक हमारी आंखों के सामने है। बीए किया है, एमए किया, लगता है वो भी एमए किया, काम नहीं है वरना यहाँ आपकी दुआ से सब ठीक ठाक है। याद है आपको लेट 80s का वो रंगीन दूरदर्शन, ब्लैक एंड व्हाइट से लेकर कलर टीवी में तब्दील होकर टीडी उस दशक में जितना पॉपुलर हुआ, शायद उसे कहीं ज्यादा पॉपुलर हुआ 1990 में शुरू हुआ प्रोग्राम सुरभि। इसके एंकर, प्रोड्यूसर और स्क्रिप्ट राइटर सिद्धार्थ काक ने लगातार 11 सालों तक इस कार्यक्रम के जरिए भारतीय टीवी जगत पर राज किया। जब मैंने शुरुआत की तो मैं बहुत एम्बिशियस था, मुझे ये करना था, वैसे करना था, मुझे प्रूव करना था, मैं बहुत भूखा था और मुझे बड़ा कंफ्यूजन था अपने बारे में कि मैं कौन हूँ। हिंदुस्तान के रहने वाला हूँ लेकिन हिंदी नहीं जानता हूँ, मैं अंग्रेज़ी जानता हूँ लेकिन वो संस्कृति मुझे पसंद नहीं है, मैं कहाँ का हूँ, मैं कश्मीर का हूँ लेकिन इत्तेफाक से कश्मीर से भी मैं दूर हूँ। सुरभि के द्वारे मुझे अपने लोगों ने मुझे अपनाया, स्वीकार किया। डीडी का ये शो हर दिल अजीज बन गया, लोगों ने सुरभि को अपनाया और सुरभि के जरिए सिद्धार्थ लोगों के घरों और दिलों तक पहुंच गए। इस प्रोग्राम में सिद्धार्थ ने देश के कई रंगों और मिजाज का ब्यौरा दर्शकों तक पहुंचाया। कई बार तो ऐसा हुआ कि स्टूडियो से निकलकर देश के कई दूर दराज इलाकों तक रेणुका और सिद्धार्थ खुद पहुंच गए। जिंदगी में एक ऐसा इत्तेफाक होना चाहिए जिससे आप अपने आप को पूरी तरह से पहचान पाएं और वो नेचुरली वो करें जो आपको सूट करता है, और वो एक्चुअली सुरभि में तब आया क्योंकि मुझे सुरभि में किसी और का रोल प्ले नहीं करना पड़ा। दूरदर्शन का ये पहला प्रोग्राम था जो देश के अलग अलग हिस्सों की झांकियां दिखाता। 1990 से लेकर साल 2001 तक सुरभि की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई। जाहिर है इसके पीछे का आइडिया भी जबरदस्त रहा होगा। मैं तो लगा हुआ था अपनी डॉक्यूमेंट्रीज के लिए कि हर एक एपिसोड जो है एक थीम पे होगा, हम इस घराने पे करेंगे, हम उस शख्स पे। तो एक दिन मैं दूरदर्शन के जो सेक्रेटरी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग उस वक्त के से उनके कमरे में बैठा था, तो उन्होंने एक ऐसी कैजुअली कहा मुझे, बड़ा अच्छा लगेगा ना सिद्धार्थ कि एक ही मंच पे कभी यहाँ पे कुछ चल रहा है, कभी वहाँ पे आप कुछ देख रहे हो। तो जैसे उन्होंने वो बात की, इस तरह से एक तरह से मेरे आँखों के सामने से एक पर्दा निकल गया। ऐसे मुझे लगा कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी अभी तक बिताई है इस प्रोग्राम को करने के लिए। सिद्धार्थ ने अब तक कई ऐसे शोज बनाए हैं जो इंडियन कल्चर को हमारे सामने पेश करते हैं। सिद्धार्थ अब तक 100 से ज्यादा डॉक्यूमेंट्री और कई टेली सीरीज बना चुके हैं, पर सुरभि जैसी पॉपुलैरिटी आज तक किसी शो को हासिल नहीं हुई। शो की शुरुआत ही इतनी दिलचस्प होती थी कि देखने वाला देखता रह जाए। प्रोग्राम के इस इनोवेटिव मोंटाज के पीछे एक लंबी दास्तान है। मैं अमेरिका में था, मान लीजिए ये कहानी वहाँ शुरू होती है, और मैं गाड़ी में बैठा हुआ था, म्यूजिक कुछ बज रहा था डॉक्टर एल सुब्रमण्यम। मैंने कहा यार ये म्यूजिक, यही म्यूजिक मुझे चाहिए, ये बताता है कि हम कौन हैं, क्योंकि हम हिंदुस्तान के भी हैं और दुनिया के भी हैं, और ये मुझे म्यूजिक चाहिए।
आप चेन्नई आइए, तो हफ्ते के बाद, तीन हफ्ते के बाद हम इसको कंपोज करते हैं। और उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट उसमें शामिल किया जिसकी आवाज़ आज तक मुझे लगता है कि जो वो जो मेमोरेबल है, वो इंस्ट्रूमेंट का नाम है तार शिनाई। आप उसका अपनी म्यूजिक सुनेंगे। इट वॉज अमेजिंग, क्या क्रिएटिविटी थी। और उसको मैं कहूँगा फिर एक बहुत बड़े ग्राफिक आर्टिस्ट जो पायनियर हैं हमारे देश के, राम मोहन सर, उन्होंने सुरभि के जो ग्राफिक्स हैं, जो एक मेल्ट करते हैं और वो पॉट टर्न करता है, यूं करता है, उस म्यूजिक को मैच करते हुए उसको लगाया। शो की पॉपुलैरिटी का अंदाजा तो आप उस वक्त सिद्धार्थ के ऑफिस पहुंचने वाली चिट्ठियों को देखकर ही लगा सकते हैं। इसको मिलने वाले रिस्पांस ने सुरभि का नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तक पहुंचा दिया। मुझे इतना याद है कि चिट्ठियां इतनी आया करती थी कि वो भी अपने आप में एक प्रॉब्लम हो गया। हमने दो तीन बार पोस्टकार्ड्स के सेट बनाए, लेकिन मुझे याद है कि हम वो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आए फॉर 1.4 मिलियन लेटर्स इन वन वीक, मीनिंग 10 लाख चिट्ठियाँ, फिर 3 ट्रक और 120 बैग पोस्ट कार्ड्स के भरे हुए। देश भर से सुरभि को मिल रहे रिस्पांस ने सिद्धार्थ को एक अलग मुकाम दिलाया। सिद्धार्थ कश्मीर में पैदा हुए, लेकिन किस्मत उन्हें मुंबई लेकर आ गई और टीवी के जरिए सबके दिलों तक। कश्मीर के बाद उनकी स्कूलिंग लॉरेंस स्कूल ऑफ सनावर में हुई और फिर आगे की पढ़ाई करने के लिए सिद्धार्थ दिल्ली आ गए। वहाँ पे दिल्ली में जब मैं सेंट स्टीवंस कॉलेज में था, तो मेरा पहला परिचय हुआ टेलीविज़न और रेडियो से। तो वो ऑल इंडिया रेडियो की एक एक्सटर्नल अफेयर्स की कमेंट्री हुआ करती थी, उसमें हमें कुछ 10-15 रुपए मिलते थे शायद। कॉलेज के दौरान ही सिद्धार्थ काक रेडियो और टीवी से जुड़ गए। दिल्ली दूरदर्शन के लिए उन्हें छोटे छोटे प्रोग्राम मिलने शुरू हो गए। दूरदर्शन ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि आप आइए, कुछ हमारे लिए कुछ प्रोग्राम कीजिए। तो सबसे पहले शुरू हुआ न्यूज़। मैं अंग्रेजी में न्यूज़ पढ़ा करता था। मेरे ख्याल से इट स्टार्टेड कि कुछ हमें कुछ 50-60 रुपए मिलते थे, फिर 100 रुपए मिले, प्रमोशन मिली। दूरदर्शन पर अंग्रेजी न्यूज़ रीडिंग करने के दौरान ही सिद्धार्थ का चेहरा काफी पॉपुलर हो गया। जॉब के साथ साथ दूरदर्शन में काम जारी था। इस दौरान उनकी मुलाकात हुई कई जाने माने चेहरों से। हरीश तो खैर था, हिंदी न्यूज पढ़ते थे। सरिता सेठी थी, हिंदी न्यूज पढ़ती थी। और बहुत ही मशहूर थी स्मिता पाटिल, वो सिर्फ हिंदी न्यूज ही नहीं, मराठी न्यूज भी पढ़ती थी। एक और बहुत ही मशहूर आवाज थी लुकू सान्याल, शी हैड अ डीप वॉइस एंड अ वेरी वेरी वंडरफुल प्रेजेंस दैट शी हैड। उस दौर में दूरदर्शन के साथ एक फ्रीलांसर के तौर पर जुड़ने के बाद उन्होंने अपनी 10 साल पुरानी कंपनी की नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग का काम शुरू किया। साल 1979 में एक अमेरिकन फिल्म और एक जानी मानी टीवी सीरीज द ज्वेल्स इन द क्राउन में काम किया। स्टार्टिंग टुमारो द ज्वेल इन द क्राउन, पॉल स्कॉट्स एपिक स्टोरी ऑफ डेस्टिनीज फोर्ज्ड बाय द लास्ट ट्रबल्ड इयर्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया। Of love in the shadow of the Raj. I know what I'd do if I got my hands on them. Anyone who trusts an Indian is a bloody fool, if you ask me. बहुत ही मशहूर टेलीविजन सीरीज थी, इसका नाम था Jewel in the Crown. उसमें भी टिम पिगट, बहुत ही मशहूर ब्रिटिश एक्टर, उनके साथ मैंने काम किया। एक्टिंग के जर्नी की शुरुआत अच्छी रही। सिद्धार्थ को प्ले और फिल्मों में काम मिलने लगा। आशा पारिख के अपोजिट वो नजर आए। फिल्म का नाम था 100 दिन सास के। साल 1980 से लगातार कुछ सालों तक वो फिल्मों में नजर आए।
जिसमें सुराग और बुलंदी जैसी फिल्में भी शामिल हैं। खूब मजा आता होगा फिर तो मुजरिमों के पीछे दौड़ने और उन्हें दौड़ाने में। शहर दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपकी शोहरत के झंडे अभी तक गड़े हुए हैं। स्टूडेंट्स आपके जमाने की किस्से कहानियां आज तक दोहराते हैं। राजकुमार, कादर खान जैसे बड़े बड़े एक्टर्स के साथ उन्हें रोल मिलने लगे थे। फिर शबाना आजमी और स्मिता पाटिल स्टारर फिल्म अर्थ में भी वो नजर आए। लेकिन ये तो सरासर बचपना है। इंद्र ताला के कागजात ले आया और तुमने साइन कर दिए। ताला क्या उसे कल मिलने वाली है? कम से कम 6 महीने लगेंगे। पूजा, मैंने सैकड़ों केसेस हैंडल किए हैं। 6 महीने में पति और पत्नी के बीच कोई ना कोई समझौता हो ही जाता है और तुम्हारे केस में भी यही होने वाला है। साल 1987 में वो सुपरहिट फिल्म मिस्टर इंडिया में भी दिखाई दिए। जेंटलमैन, आप सब डिफेंस सर्विसेज, पुलिस और इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के जिम्मेदार ऑफिसर्स हैं। दो फिल्में थी शायद, एक तो है वो 100 दिन सास के, तो बहुत बड़ी हिट बन गई। उसमें मुझे लगता है कि मेरा एक्चुअली एक कैरेक्टर ऐसा था जो कुछ कर ही नहीं सकता है। दूसरी फिल्म जो मशहूर थी और जो बहुत मजा आया, वो एक फिल्म थी जिसका नाम था सुराग। सिद्धार्थ भले ही फिल्मों में काम कर रहे थे, लेकिन उनका पूरा ध्यान डॉक्यूमेंट्री मेकिंग पर था। उसी दौरान सिद्धार्थ ने सुरभि के बारे में सोचना शुरू किया और उसकी नींव रखी। फिल्मों से दूर ये एक अलग दुनिया थी जिसमें वो अपना हाथ आजमा रहे थे। सिद्धार्थ खुले तौर पर मानते हैं कि सुरभि के साथ उन्होंने अपनी हिंदी भी काफी निखारी। मुझे बहुत मजा आता है अभी हिंदी बोलना। अगर वही चीज अंग्रेजी में बोलूं और उसको मैं हिंदी में कहूं, मुझे लगता है कि हिंदी में एक संगीत की तरह एक लचक मुझे महसूस होती है जो मुझे अंग्रेजी में नहीं आती। अंग्रेजी में बहुत मामूली लगता है। मैं डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाना चाह रहा था। वो मेरे टेम्परमेंट के मेरे स्वभाव से मैच करता था, क्योंकि उसमें बहुत रिसर्च करना पड़ता है, उसमें सोच समझ आती है और फिर उसको आप पेश करते हैं अपने तरीके से। सुरभि का कॉन्सेप्ट सोचने के साथ ही सिद्धार्थ ने अपनी को एंकर की खोज भी शुरू कर दी। सुरभि का सेट, कॉस्ट्यूम और एंकर का सिलेक्शन करने में सिद्धार्थ की वाइफ गीता सिद्धार्थ ने उनकी काफी मदद की और फाइनली नाम सामने आया रेणुका शहाने का। ये बहुत सिंपली और बहुत जल्दी डिसाइड हो गया और उसमें मेरी वाइफ का भी रोल है। जब तक रेणुका जी ने बोलना नहीं शुरू किया तब तक मुझे अंदाजा नहीं था। शी वॉज सो ब्राइट एंड बबलिंग विद एनर्जी, जिस तरह से वो एनर्जेटिकली बोल रही थी, इंटेलिजेंटली बोल रही थी, तो ये तो लाजवाब था। सबसे पहले तो रेणुका जी वॉज इवन असिस्टेंट ऑन द शो। रेणुका की स्माइल और सिद्धार्थ का अंदाज दोनों ही टीवी पर छा गए और 11 सालों तक टीवी पर चला सिद्धार्थ का ये शो पॉपुलैरिटी की हर सीमा तोड़ने लगा। सिद्धार्थ अगर शो को लेकर पूरी तरह से कमिटेड थे तो रेणुका ने भी इसे पूरी संजीदगी से जिया। बॉलीवुड में बड़े बैनर तले बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम मिलने के बावजूद रेणुका शहाने ने कभी सुरभि को अपने करियर में पीछे नहीं छोड़ा। इस बीच उनके फिल्म हम आपके हैं कौन भी काफी पॉपुलर हुई। इस फिल्म के बाद रेणुका के पास फिल्मों के काफी ऑफर्स थे, लेकिन वो हमेशा सुरभि के लिए वक्त निकाल लेती। मुझे लगता है कि उनको भी ऐसा महसूस हो रहा था कि एक तो प्रोग्राम जो है लोगों को बहुत भाता था, लोग बहुत उसको मानते थे और उनको भी बहुत प्रशंसा मिली उससे, तो उन्होंने पूरी तरह से उसको निभाया। 11 सालों तक सिद्धार्थ ने कामयाबी का स्वाद चखा।
सुरभि के बाद भले ही सिद्धार्थ ने कामयाबी की वैसी इबारत फिर नहीं लिखी, लेकिन उनकी एडवेंचरस थ्रिलर टीवी सीरीज मानो या ना मानो को भी लोगों का अच्छा खासा रिस्पांस मिला। ये था हिंदुस्तान का रहस्य। हम मानते हैं कि हिंदुस्तान में भी एक खासियत है, उसकी फिलॉसफी में, उसकी सोच में, उसकी एक अलग सी ताकत है। तो हम हिंदुस्तान की वो जो है कल्चरल ताकत एक्सप्लोर कर रहे थे, यहाँ पे हम उसकी मिस्टिकल ताकत एक्सप्लोर कर रहे थे, मानो या ना मानो। तो ये रियल स्टोरीज थी। उनकी टेलीविजन कंपनी अब तक 3 नेशनल अवार्ड जीत चुकी है। इसके अलावा कई और तरह के टेलीविजन अवार्ड भी उनके खाते में गए। उनकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म एवरेस्ट 84 के लिए उन्हें बेस्ट एक्सप्लोरेशन एडवेंचर फिल्म का नेशनल अवार्ड दिया गया। आप देखेंगे वहाँ पे हमारे अवार्ड्स मिले हैं, नेशनल अवार्ड्स। माउंट एवरेस्ट की फिल्म जो मैंने बनाई खुद 4 महीने एवरेस्ट पे, वो एक पत्थर भी है जो एवरेस्ट के समिट से बचेंद्री पाल ने मुझे दिया था, सुप्रीम भेंट बचेंद्री। कश्मीर से लेकर मुंबई तक के सफर में सफलता के शिखर पर पहुंचे सिद्धार्थ, पर अपनी लाइफ जर्नी में वो अपने परिवार का पूरा हाथ मानते हैं। 1947 में मेरा जन्म हुआ और कश्मीर में हुआ, नर्सिंग होम में। मेरे ग्रैंडफादर पंडित रामचंद्र का कश्मीर से लेकर मुंबई तक के सफर में मेरे पिताजी जो है एक आर्मी में थे, शादी हुई, पर अपनी लाइफ जर्नी में गीता से जो नेशनल अवार्ड कश्मीर से लेकर मुंबई तक के सफर में एक्चुअली गीता की तस्वीर है शिखर पर जो पहुंचे सिद्धार्थ लक्स पर अपनी लाइफ जर्नी में अवार्ड्स जो मिले लक्स के कुछ है उसका। गीता सिद्धार्थ ने भी हर कदम पर उनका साथ दिया। गमन, परिचय और गर्म हवा में गीता अपनी एक्टिंग का हुनर बखूबी दिखा चुके हैं। आपको बता दें कि गीता एक नेशनल अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस हैं और उनका सिद्धार्थ की जिंदगी में आना भी एक इत्तेफाक है। गीता जी को मैं थिएटर में मिला जब ये सखाराम बाइंडर प्ले बॉम्बे में किया गया, तो मुझे सिलेक्ट किया है सखाराम बाइंडर और मेरी एक मिस्ट्रेस बनी हूँ उसमें। तो हम रिहर्सल्स में मिलते थे और प्ले जो है बहुत पॉपुलर है, तो साल 1.5 साल के लिए प्ले चला और उतने में हमें बहुत मौका मिला एक दूसरे से मिलने के लिए। तो मेरी 8th मिस्ट्रेस से मेरी फर्स्ट वाइफ एंड ओनली वाइफ बन चुकी है। सिद्धार्थ को नई जगहों के खानों या व्यंजनों से बेहद लगाव है। वो कई नेशनल पेपर्स के लिए फूड कॉलम्स लिखते रहे हैं, 2 फूड शोज भी वो प्रोड्यूस कर चुके हैं। उन्हें कविताएं लिखने का काफी शौक है। सुरभि के 100 सवाल नाम से एक किताब उन्होंने कंपाइल भी की। नेशनल शॉर्ट फीचर फिल्म अवार्ड्स के मेंबर और चेयरपर्सन रह चुके हैं। इसके अलावा भी कई तरह के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परियोजनाओं में अपना योगदान देते रहे हैं। मेरी अपनी टेलीविजन प्रोडक्शन की कंपनी, डॉक्यूमेंट्री फिल्म प्रोडक्शन की कंपनी है, सिनेमा विजन इंडिया, जो एक जमाने में वो नाम था मेरे एक मैगजीन का। सत्यजीत रे साहब हमारे बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स पे थे, रिचर्ड एटनबरो हमारे बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स पे थे, मशहूर लोग थे, बहुत इंटरेस्टिंग ज़माना था। अब ऐसे काम के लिए हमारे पास एक सुरभि फाउंडेशन फॉर रिसर्च एंड कल्चर एक्सचेंज आर्काइव है हमारे पास, जो शायद हमारे देश का सबसे बड़ा आर्काइव है सांस्कृतिक ऑडियो विजुअल मटीरियल का, प्रोफेशनली फिल्म। तो ये एक सुरभि की दुनिया है। इस आर्काइव को हम डिजिटाइज कर रहे हैं और एक सुरभि वर्ल्ड का आर्काइव डिजिटल बनाने के प्रयास में है। कामयाबी के कितने ही निशान उनके ऑफिस की दीवारों पर आपको दिख जाएंगे। सैकड़ों डॉक्यूमेंट्रीज और कई टीवी सीरीज के साथ बड़े पर्दे पर स्टार्स का साथ भी उन्हें मिला, लेकिन उनका इंटरेस्ट सिर्फ एक चीज में है और वो है डॉक्यूमेंट्री। मेरे ख्याल से डॉक्यूमेंट्री फिल्म से सबसे ज्यादा मजा मुझे मिला है। मैं समझता हूँ कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स एक किताब पढ़ने की तरह है, और जब पहले मैंने शुरू किया ये सब काम, मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं फीचर फिल्म बनाऊंगा या इवन टीवी शो बनाऊंगा। हर एक डॉक्यूमेंट्री को बनाने में आप अपने आप को पहचानते हैं थोड़ा और। इट्स ए ब्लैंक कैनवस और उस कैनवस के हर ब्रश के स्ट्रोक आप जिम्मेदार हैं।
इतना सब कुछ हासिल करने के बावजूद काम करने के लिए सिद्धार्थ की भूख अभी खत्म नहीं हुई है। सुरभि का जादू सिद्धार्थ एक बार फिर टीवी स्क्रीन पर उतारना चाहते हैं, और अगर सब कुछ सिद्धार्थ की प्लानिंग के मुताबिक हुआ तो वो दिन दूर नहीं जब वो छोटे पर्दे पर कामयाबी की एक और दास्तान लिखेंगे।